प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा दसवीं के विज्ञान की बात करेंगे, यानी हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। तो इसमें जो दसवां चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक जानेंगे, प्रकाश और उसके गुण। तथा इस पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और वस्तु क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और इसमें लेंस है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है, लेंस में चिन्ह परिपाटी क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। लाइट, देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लोग वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी अगर कोई प्रकाश आप किसी वस्तु पर मारते हैं तो वो प्रकाश किसी दीवार पर जाएगी, टकराएगी और टकराने के पश्चात उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तब वो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। अभी आप प्रयोग करके देखिए, आप आसमान की ओर टार्च मारिए कुछ ऊपर करके, यानी उसका जो शैडो है वो जमीन पर ना बने, और ऊपर करके मारेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमारा जो प्रकाश है, ब्रह्मांड तो अनंत होता है और हमारे प्रकाश में इतनी पावर नहीं है कि ब्रह्मांड के जो पिंड हैं ऊपर उनको टच करके और किरणें नीचे चली जाएं। इसलिए जब तक प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर टकराएगी नहीं, वापस हमारे पास आएगी नहीं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लोग वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। बच्चों प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है बल्कि प्रकाश को नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले प्रकाश को किसने देखा, किस वैज्ञानिक ने देखा, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो जरा आप सोचिए कि क्या सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं का जन्म हुआ था और कोई मानव नहीं थे जन्मे। तो प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है बल्कि प्रकाश को नहीं। जैसे आप टार्च जलाते हैं तो टार्च में प्रकाश को देखते हैं कि उस पर ऊपर वस्तु किसी, वो प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक ऊर्जा है, इसकी उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम वस्तुओं को देखने में करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पर वापस आती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट लिख देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की
उपस्थिति में वस्तु को देखा जाता है। बल्कि प्रकाश को नहीं। बल्कि प्रकाश को नहीं। तो बच्चों यहां पे मैंने इसकी डिफिनेशन लिख दिया। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण। बच्चों अगला टॉपिक है प्रकाश का गुण। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के कई गुण होते हैं, पहला गुण इसमें देख लेते हैं। पहला गुण होता है प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा इसको देख लेते हैं प्रयोगों द्वारा। जैसे हम लोग दो दप्तियां ले ले इस तरीके से, एक का छिद्र यहां पे कर देते हैं और दूसरे का छिद्र यहां पे, और यहां से जैसे ही आप प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो ये प्रकाश सीधे चली जाएगी, यानी ये प्रकाश मुड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में चलती है। दूसरा इसका गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तीसरा गुण है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। बच्चों तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। जो अनुप्रस्थ तरंग है वो प्रकाश में होता है, अनुदैर्ध्य तरंग जो है ध्वनि में चलती है। तो यहां पर प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। चौथा गुण होता है इसका प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैसे तो कई वैज्ञानिक इसके वेग की गणना किए, लेकिन सबसे पहले नाम आता है रोमर का। अब देखिए अगला है गुण, पांचवा गुण है प्यारे बच्चों कि प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन विवर्तन व्यतिकरण ध्रुवण की घटनाएं घटती हैं। प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन
व्यतिकरण इत्यादि लिख देते हैं, त्याद की घटनाएं घटती हैं, की घटनाएं घटती हैं। छह नंबर है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सेवन नंबर है, इसका जो अगला है प्यारे बच्चों, प्रकाश फोटॉन सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलते हैं, पैकेटों के रूप में चलते हैं। अब इसका आठवां गुण है प्यारे बच्चों, आठवें गुण में हम लोग बताएंगे कि प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग में एक मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश तरंग एवं ध्वनि तरंग में एक मुख्य अंतर यह है कि प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। यानी प्यारे बच्चों, जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए, अभी यहां पे वैक्यूम कर दिया जाए
हवा निकाल दिया जाए यहाँ पे पूरा, तो हमारी आवाज़ इस माई तक नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ को इस माई तक पहुँचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ से माध्यम को निकाल लिया जाए तो मेरी आवाज़ इस माइक तक नहीं पहुँच पाएगी और आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो बच्चों, मैंने कहा कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग तीन अवस्थाएं ले लें, ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो प्रकाश की चाल है वो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में से किस अवस्था में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे ध्वनि में लेते हैं कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एट केस हो गया था तो इसमें ए में लिख देते हैं कि प्रकाश की चाल ठोस से गैस में, ठोस से गैस में बढ़ता है। जी हाँ बच्चों, जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे ज्यादा ठोस से गैस में बढ़ता है, ठोस से गैस में बढ़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रकाश की चाल ठोस से गैस में बढ़ता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और फिर ठोस में होती है। यानी प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा गैस में और सबसे कम ठोस में। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो ध्वनि की चाल प्रकाश के जस्ट अपोजिट ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि की चाल गैस से ठोस में बढ़ता है, गैस से ठोस में बढ़ता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल प्यारे बच्चों ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। अब इन तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे देखिए, अभी दो हथौड़ा ले लिया जाए, सपोज दैट मान लीजिए ये दोनों हथौड़े हैं। अब इनको हम इस तरीके से टच कराएंगे तो इसमें आवाज़ ज़्यादा निकल रही है, इसमें आवाज़ आप सुने। अब हम द्रव को ले लेते हैं, दो ग्लास में पानी और दोनों को एक दूसरे से टक्कर कराते हैं तो उसमें देखेंगे कि इसकी अपेक्षा उसमें आवाज़ या ध्वनि आपको कम सुनाई पड़ेगी। तीसरा गैस दो आप पंप लीजिए और दोनों को दबाइए, उसमें से जो हवा निकले और जब हवा का टक्कर हो तो उसकी आवाज़ सुनिए, ना कि जो हवा निकल रहा उसके प्रेशर की आवाज़। एक तो आप मारते हैं तो उसमें प्रेशर निकलता है, उसमें से जो हवा प्रेशरदार निकलती है उसमें आवाज़ होता है, तो उसकी आवाज़ नहीं कर रहे हैं। दो पंप को चलाइए और उसमें से जो वायु निकले और जब टक्कर हो दोनों गैसों का तो वो जो ध्वनि निकलेगी वो हम लोग नापेंगे। तो आप देखेंगे तीनों में जब कंपैरिजन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक
दो हथौड़े को टकराने पर आवाज मिल रही है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में मिल रही है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में और सबसे कम गैस में। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका अगला गुण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यह माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यह माध्यम के अपवर्तनांक पर यानी यन या स्मॉल यन या म्यू पर निर्भर करती है। ये प्यारे बच्चों स्मॉल यन या म्यू है। अब देखिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके पहले एक फार्मूला देख लेते हैं प्यारे बच्चों। याद देखिए, मैंने कहा अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, तो चाल जो है माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है या माध्यम के अपवर्तनांक पर। तो यहां पर लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो U से प्रदर्शित कर देते हैं और ये हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में और बटे माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो सी है प्यारे बच्चों वो निर्वात में प्रकाश की चाल लिख देंगे। माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम का अपवर्तनांक जो है यह स्मॉल एन या म्यू होता है और ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यू बराबर सी अपान यन या म्यू, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले से हम लोग प्रकाश की चाल माध्यम में निकालेंगे, किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। एक तरफ लिखेंगे माध्यम मीडियम और एक तरफ लिखेंगे प्रकाश की चाल। तो जैसे हम पहला ले लें, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है,
यानी जहां हवा ना हो वहां पे प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपसे कोई वायु में पूछ ले कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में 3×10⁸ होता है और वायु में प्रकाश की चाल 2.9×10⁸ मीटर प्रति, यानी वायु और निर्वात में बहुत थोड़ा ही अंतर है, बहुत थोड़ा सूक्ष्म, इसलिए लगभग बराबर ही मान के चलते हैं। तो अभी वायु में पूछ लिया तो 2.9 और 2.9 का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन में 3 ही होता है, तो यहाँ पे वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग लगभग एक ही होता है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ऐसे लिखते हैं, जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और तारपीन के तेल में 2.04×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नाइलोन में कितना होता है, नाइलोन 1.96×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो प्रकाश का गुण है वो कंप्लीट होता है। अब इसके हम कुछ प्राइमरी नॉलेज बताएंगे आपको। जैसे देखिए, ये प्रकाश का चैप्टर है, तो इतना आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर हम बता रहे हैं, ले लिए। अब चलिए इसमें देखेंगे कि जो प्रकाश, ये प्रकाश का चैप्टर चल रहा है तो प्रकाश से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण बातें को यहाँ पे बताना चाहेंगे। आप जानते हैं कि जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से, सूर्य की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर होता है या लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर होता है। दूसरी चीज, अब देखिए, ये सूर्य तो बहुत दूर है पृथ्वी से, तो इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कुछ न कुछ समय लगता होगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट, एक पाई रहे किसी के ऊपर तो मिनट और डबल रहे तो सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है, यानी इतना समय लगता है जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आप सब जानते हैं 384,400 किलोमीटर,
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर होता है और इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में एक मिनट पच्चीस सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश बोलते हैं, परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में एक मिनट पच्चीस सेकंड का समय लगता है तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो यहां पर हमारा जो प्रकाश का गुण है और प्रकाश की डिफिनीशन है कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं, और उसी वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को किरण पुंज के बारे में बताएंगे। किरण पुंज तीन, अपसारी अभिसारी समांतर किरण पुंज, तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।